नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान आपका अपना कार्यक्रम जिसके माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम नई नई जानकारियां हम आप किसानों तक पहुंचाएं ताकि आप उनका उचित इस्तेमाल कर सकें और खेती किसानी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी खेती किसानी से, उसके बाद बात करेंगे हमारा पशुधन की और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाँव किसान की। सबसे पहले बात खेती किसानी की। खेती किसानी भाग में हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियां देते हैं जो कि वैज्ञानिक तो होती ही हैं, साथ ही इनका इस्तेमाल हमारे किसान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और कृषि को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम खेती किसानी में आपके लिए क्या विशेष लेकर आए हैं, आइए डालते हैं नजर। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रसन्ना। मैं यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च में टोमेटो ब्रीडर हूँ। किसानों के लिए हमारा यहाँ हाइब्रिड्स और वेराइटीज़, टोमेटो का वेराइटीज़ और हाइब्रिड्स का डेवलपमेंट होता है। हमारा मेन उद्देश्य यह है कि रोग के लिए, क्वालिटी के लिए और बेटर यील्ड के लिए हम लोग यहाँ वेराइटीज़ और हाइब्रिड्स का डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो यहाँ अभी नया चीज़, तीन नया हाइब्रिड से हमारा प्रोग्राम से निकला हुआ है, उसमें एक अर्का अभेद करके है। इसका खास बात यह है कि ये चार रोग के लिए, दो फंगल डिसीजेस है, फंगस जो आता है, ये एक है अर्ली ब्लाइट है, दूसरा लेट ब्लाइट है। ये दोनों फंगल डिसीजेस के लिए ये हाइब्रिड जो है रेजिस्टेंट है। इसके अलावा एक बैक्टीरियल डिसीज़ आता है, मिट्टी से आता है, इसका नाम है बैक्टीरियल विल्ट डिसीज़ करके, ये पौधा सूख जाता है इससे। तो ये बैक्टीरिया के लिए भी हमारा हाइब्रिड जो अर्का अभेद ये रेजिस्टेंट है। इसके अलावा एक वायरल डिसीज़ है, लीफ कर्ल बोलते हैं, गुर्चा बोलते हैं हिंदी में, ये वायरल डिसीज़ के लिए भी ये हमारा अभेद जो है रेजिस्टेंट है। ये चार डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंट दिखाता है और इसका यील्ड लेवल्स है 70 से 75 टन पर हेक्टेयर, इसे किसान ले सकते हैं। और इसके अलावा दो और नया हाइब्रिड्स है, ये ड्यूअल पर्पस हम लोग बोलते हैं, इसलिए कि ये फ्रेश मार्केट के लिए भी और प्रोसेसिंग के लिए, दोनों के लिए ये हाइब्रिड्स यूज़ कर सकते हैं। इसका खास बात यह है कि ये तीन रोग के लिए ये रेजिस्टेंट है। एक है वायरल डिसीज़ है लीफ कर्ल या गुर्चा बोलते हैं, तो इसके लिए भी ये रेजिस्टेंट है। और दूसरा बैक्टीरियल विल्ट है, मिट्टी से जो आता है, सो इसके लिए भी एक रेजिस्टेंट है। और फंगल डिसीज़ है, अर्ली ब्लाइट करके बोलते हैं, इसके लिए भी ये दोनों हाइब्रिड्स, नया जो बताया अर्का अपेक्षा और अर्का विशेष, ये दोनों हाइब्रिड्स ये तीन डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंट है। और इसके अलावा इसका जो यील्ड पोटेंशियल है 70 से 75 टन पर हेक्टेयर आराम से किसान भाइयों इसमें यूज़ करने से ले सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राधा कृष्णा, मैं कर्नाटक का मैंगलोर का पुत्तूर से आया। मैं एंटरप्रेनर हूँ, मेरा फैक्ट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्लैक सीड आके आता है, इसका बहुत वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट हम बनाया है। इससे प्लैक सीड बोला तो वो इससे चपाती बना सकता है, चटनी पाउडर बना सकते हैं, बहुत दूसरा खाने का चीज़ भी बना सकता है। और हम मिलेट्स आता है, मिलेट से भी बहुत खाने का चीज़ का वैल्यू एडिशन करके मार्केट में सेल कर रहा है। हमारा इधर IHR में ये एग्जीबिशन हो रहा है, हॉर्टिकल्चर एग्जीबिशन हो रहा है। इधर हमारा संपूर्ण हमारा उत्पन्न का एग्जीबिट किया जाता है। सो इधर नहीं से हम मशरूम का टेक्नोलॉजी इधर IHR से लेके इसे भी बहुत आहार उत्पन्न को रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक का हम कर रहे हैं। इसे क्या होता है, हमको ज़्यादा आदमी मशरूम को ग्रो करने वाला हमको चाहिए। वो हम किधर मशरूम ग्रो करता है ना, उसका मशरूम को हम परचेज करके उसका ड्राई करके हम उसका वैल्यू एडिशन भी करता है। इसीलिए हम मिलेट्स हम डायरेक्ट किसान भाइयों से परचेज करके उसका बहुत तरफ का रेडी टू ईट और रेडी टू कुक आहार उत्पन्न का हम तैयार कर रहे हैं। एक में इसको रागी बोल के इधर फिंगर मिलेट बोलता है, इसमें इसे हम चार चीज खाने का बनाता है। सो इसी तरह हम
किधर हमारा एग्री बिजनेस किसान से हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल परचेज करके हमारा ये उत्पन्न का तैयार कर किया तो हमारा किसान को भी बहुत हेल्प होता है, उसका एग्री का सपोर्ट देना भी होता है, हमारा आरोग्य को भी बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। इसमें ये मिलेट्स में बहुत न्यूट्रिशंस कंटेंट है मिलता है, वो तो हमारा देह के लिए बहुत अच्छा चाहिए। सो हमारा इधर ये IHR का एग्जीबिशन कर रहे हैं, इसमें बहुत तो किसान लोग आ रहे हैं, बहुत विजिटर्स आ रहे हैं, वो सबको हम उसके बारे में समझता है और हमारा किसान भाइयों को भी मालूम पड़ता है क्या क्या कृषि किया तो कैसे उसका डिमांड हो सकता है, उसको कैसे बेच सकता है, उसको लेने वाला कौन है, वो सब उसको भी मालूम पड़ता है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म IHR का हो गया। तो अभी हमने बात की खेती किसानी की, आशा करते हैं कि जो जानकारियां अभी आप तक हमने पहुंचाई हैं इसका जरूर आप लाभ उठाएंगे। इसी के साथ ही अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहाँ हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। उपज के भाव ताव, आवक का हालचाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में हमेशा हम आपको पशुपालन से संबंधित कुछ ऐसे जानकारियां देते हैं जो कि विशेषज्ञों द्वारा हमारे किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जी हाँ, ये वैज्ञानिक जानकारियां भी होती हैं और साथ ही इससे हमारे किसान हमारे पशुधन का और बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी उठा सकते हैं। तो आज हमारा पशुधन में क्या विशेष है, आइए देखते हैं। पहले मेरी मिसेज काम करती थी, इनको शौक था इनका पशुओं का, डेयरी का। ये काम मैंने संभाल लिया रिटायर होने के बाद। पहले मैं बच्चा ये ड्यूटी करते थे मेरे घर वाले, मैं बस संभालती थी, जो फिर ये रिटायर हो गए फिर उन्होंने संभाल लिया ये काम। सुबह 4 उठते हैं और पहले सफाई की और इनको बाहर से अंदर करेंगे चारा लगा कर, और उसमें जो है खड़ होती है, चूरी होती है, और जी कुछ गेहूं का वो बनाते हैं हम दलिया, वो मिक्स करके इनको सबको डालते हैं, फिर दूध निकालते हैं और फिर इनको नला जलाई करा के और 9-10 से फिर इनको अंदर करते हैं साफ करके सब सब। अच्छा दूध दही हो, दही होगी, घी होगा, और दूसरा इनकम भी है, इनका खर्चा निकल कर और 30-40,000-50,000 रुपये महीना बचत है इसमें। इसके साथ साथ छोटे बच्चे हैं, जैसे ये 3-3.5-4 में पूरे हो जाते हैं। अब आजकल तो 1,00,000 के नज़दीक जो है वो कीमत है भैंस की, ऐसे ही गाय का है, कटड़ा हो जाए कटड़ा भी कई कई लाख का चला जाता है। करने वाले के लिए तो फायदा है, 2 तो मेरी घर की है, ये ऐसे ही जैसे ये पाल ली ऐसे ही 2-3 बेच ली ऐसे ही, तो मतलब इसमें बचत है, मतलब काफ़ी मतलब इसमें फायदा है करने वाले। जो दूध मारा जा रहा है यहीं से चला जाता है, कॉलोनियाँ हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा भैंस होने पर
मान लिया 10-15 लीटर बच जाता है तो फिर घी भी निकलता है, उसका घी बिक जाता है। अब ज़्यादा गर्मी आ गई जैसे, इसमें शाम को गुड़ भे देते हैं, पानी में भिगो दिया, वो सुबह जो है वो ठंडा होगा, मटके ठंडा हो जाता है, उसमें पानी मिलाया, सबको शरबत बना कर पिला दिया, थोड़ा थोड़ा आटा डाल दो उसमें, सबको पिला दिया। ऐसे ही सर्दियों में गुड़ की आवटी बनाते हैं, पकाते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं ऐसे ही इनको सर्दियों में वो देते हैं, शाम हफ्ते में एक बार तेल देते हैं आधा आधा किलो, एक तो उससे इनका पेट ठीक रहेगा, एक दूध जो है वो बिल्कुल एक ही उस पर रहेगा, एक बीमारी नहीं होगी क्योंकि उससे पेट साफ रहता है। इसके अलावा कीड़े की जो है वो गोलियाँ आती हैं, वो भी महीने में एक बार गोली देते हैं इनको, कीड़े कीटाणु नहीं होंगे उससे ख़त्म हो जाते हैं। युवा बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, वो इसको आसानी से कर सकते हैं, पढ़े लिखे तो भाई चलो और कोई सर्विस कर ले, कुछ और धंधा भी कर ले, लेकिन जो सिंपल हैं वो खूब आराम से कर सकते हैं, बहन बेटी भी कर सकती है, कोई इसमें कोई उसका काम नहीं है, कोई भी कोई जो बहुत मुश्किल काम है ये। तो ये था हमारा आज का पशुधन, इसी के साथ ही वक्त हुआ है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। पशुपालक कैलेंडर जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में ताप घात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लंगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं। चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइका ग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें। गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक है। अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोए। तो भी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें गांव किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद गांव किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कामयाब किसान की दास्तां की।
कामयाब किसान की दास्तां में हमेशा हम आप तक उन किसानों की कहानी पहुंचाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने दृढ़ निश्चय से असंभव को संभव कर दिखाया और कृषि जगत में अन्य किसानों के लिए उदाहरण भी बने। तो आइए देखते हैं आज के कामयाब के किसान में कौन से किसान की कहानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। देखते हैं कामयाब किसान की दास्तां। किसान पृष्ठभूमि से हैं तो इसीलिए खेतों में काम करने का पूरा टाइम नहीं मिलता, इसीलिए मैंने अपने घर के पास में ये थोड़ी सी जगह थी हमारे पास, इसका यूटिलाइज़ किया। इसमें तरह तरह की सब्जियां, बुज़ुर्ग आदमियों की जानकारी से मैंने इसकी जानकारी ली और उसको उसी तरीके से बताया, वैसे ही स्टार्ट किया कई सालों से। प्योर ऑर्गेनिक सब्जी का मैंने अपना ये प्लांट चालू किया। पहले मैंने यहाँ एक अच्छी मिट्टी डलवाई और इसमें जो है गोबर का खाद ही यूज़ किया बस स्टार्टिंग में। फिर मैंने यहाँ बीमारियों से बचने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस पे ऊपर ये नेट का प्रयोग किया। एक कोशिश करके देखी है मैंने और उसका मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि हम कभी अब खुद बाज़ार से कोई सब्ज़ी नहीं खरीदते, 99% सब्ज़ी हम अपनी खुद की उगाते हैं और जो बच जाती है पड़ोसियों को भी खिलाते हैं। और मुझे देख के कई और भी युवाओं में ये आया कि उन्होंने भी अपने घर के आसपास इसका सब्ज़ी का अपना खुद का ही ऐसे ही उगाई और उससे अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ये सीज़न होता है आलू का होता है, पहले तो नवंबर दिसंबर में जाके आलू को हम करते हैं, तो आलू जैसे हो जाते हैं, हम एक साइड में आलू लगाते हैं, उसका 7-8 महीने हमें आलू चलता है हमारे, वो निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद में फिर ये भिंडी हो जाती हैं, गवार की फलियां हैं, टिंडसी हैं और ये हमारा लोबिया है। पालक तो हमेशा ही चलता रहता है, कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो हमेशा ही चलती रहती हैं, पालक है, टमाटर है और जी शिमला मिर्च हैं और ये धनिया है, घिया है, तोरी हैं, बैंगन है, मेरे पास ये सारी तरह की प्याज हैं। ऑलमोस्ट सब्जियां जो भी हैं हम उस पर मेहनत करते हैं और अगर कहीं कोई डिस्टरबेंस होता है तो कई बार बुज़ुर्गों से, किसानों से मिलते हैं, पूछते हैं उसके बारे में और आप जैसे ये चैनल्स हैं इनसे सुविधाएँ लेते हैं, इनसे हमें पता चलता है, डॉक्टरों के बारे में पता चलता है, उनसे हम नंबर ले लेते हैं, उनसे फ़ोन करते हैं, पता करते हैं। धीरे धीरे मुझे ये करते हुए कई साल हो गए हैं तो इसमें एक्सपीरियंस भी हुआ, जैसे कि कभी कोई बीमारियां भी लग जाती हैं इसमें तो उसके लिए मैंने कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया, कोई स्प्रे यूज़ नहीं किया, खुद से ही तैयार किया डॉक्टरों से पूछ के, जैसे गौमूत्र लेना और उसमें अपना गंगा जल भी मिला लेते हैं और गूगल होती है एक हमारी, उसकी धूमनी देते हैं। एंजाइम तैयार किया है, ये 8-10 तरह की दालें लेते हैं, कुछ ऑयली होती हैं, कुछ बगैर ऑयल की होती हैं जिसमें से ऑयल नहीं निकलता, जैसे सरसों वगैरह है इनमें ऑयल निकलता है, इनको लेके इसमें 20 लीटर पानी में डाल के इसको तैयार करते हैं। 1/2 किलो गुड़ डालते हैं, गौमूत्र डालते हैं उसके अंदर और उसके अंदर एक जरे हुए लोहे की जंग लगे हुए लोहे की एक रॉड डालते हैं, एक तांबे का तार डालते हैं और उसको 20-25 दिन के लिए धूप में रख लेते हैं और हर रोज़ जलाते हैं, उसका स्प्रे करते हैं। एक तो पेड़ पौधों पे उसका स्प्रे होता है और उससे ज़मीन में जैसे उसको पानी में थोड़ा थोड़ा करके जब हम इसमें पानी लगाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें डालते रहते हैं तो उससे ज़मीन के अंदर से ये जो जिसको रे बोलते हैं, नूनी बोलते हैं, ये भी बहुत सारी कम हो जाती है उससे। यहाँ पे जो पक्षियों का बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम थी गांव में हमारे इधर, तो यहाँ मोर है एक पक्षी अपना, जैसे उससे बड़ी परेशानी करता है। गोभी जैसे लेते हैं हम गोभी की फसल, उसमें मोर एक दिन भी नहीं होने देगा, मिर्चें नहीं होने देगा, धनिया नहीं होने देगा, कुछ फसल ऐसी है ऑलमोस्ट। तो उसके लिए मैंने फिर ये नेट का इंतज़ाम किया, चारों तरफ से इस पर फिर नेट लगाया कि बाजू आजू में से भी ना घुसे,
तो इसकी सुरक्षा के लिए ये नेट है। फिर इससे टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है, जैसे सर्दी में है पाला पड़ता है तो मटर है जैसे पाले से ख़राब हो जाती है मटर की, तो वो ख़राब नहीं होती। इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट जो है सनलाइट नहीं आती इस पर, जैसे धनिया है आप इस सीज़न में बहुत महंगा मिलता है बाज़ार में, एक एक पेड़ का 5-10 रुपये का ले लेते हैं, और हमारे यहाँ जो ये है ये इसके सनलाइट से प्रोटेक्ट कर रहा है इसको, और जो है ये अच्छे से होता है हमारे यहाँ बहुत बढ़िया। गाँव के लिए हर किसी के पास आज के टाइम में बहुत तेज़ ज़िंदगी चली हुई है हमारी, बहुत फास्ट लाइफ है, इसमें किसी के पास टाइम नहीं है, ना एक्सरसाइज के लिए टाइम है ना किसी और काम के लिए टाइम है, बस भागम भाग लगा हुआ है। तो इसलिए हर एक युवा को ये देखना चाहिए जहाँ भी थोड़ी जगह का भी यूटिलाइज करें, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, एक्सरसाइज भी होंगी और आपके परिवार को एक बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी, इससे अच्छी चीज़ें मिलेंगी, दिमाग ठीक रहेगा, अच्छी चीज़ें खाओगे एक तो ठीक रहेगा सब कुछ। तो अभी आपने देखी कामयाब किसान की दास्तां। आशा करते हैं कि आप भी जरूर कुछ ना कुछ इससे सीख लेंगे और कृषि जगत में कुछ बेहतर करने का ठानेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।